हेलो हेलो गाइस वेलकम टू द न्यूडियो इज द रिएक्ट एपिसोड फोर गाइस इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं ई e स्पोर्ट्स के बारे में ई e स्पोर्ट्स के फ़ायदे भी हैं ई स्पोर्ट्स के नुकसान भी हैं आजकल कल ई स्पोर्ट्स का स्कोप बहुत हो गया है पहले इंडिया में उतना स्कोप नहीं था बट अब इंडिया में भी काफ़ी स्कोप हो गया है लेटली देर इज अ टॉपिक गोइंग इन द कम्युनिटी कि ई स्पोर्ट्स ने रून कर दिया है गेमिंग एक्सपीरियंस और गेम्स को

An arena full of excited fans waiting to watch their favourite video game. But this hyper competitive, high octane electronic sport these guys are playing isn't doing too hot right now. It's been dominated by one incredibly powerful strategy, and the game devolves into long and boring matches with no variation. The commentators, passionate and desperate to keep the game alive, are trying to find any breadcrumb of excitement that they can. But they know that it's a futile effort. As the tournament goes on, people start to leave the arena. Sponsors lose faith in the game, and eventually, the developer's baby and work of passion has been forced to shut down. This scenario is a game developer's absolute worst nightmare, especially in an era where the expectation is that every new. So basically, game banda kya bol raha hai? That game comes, game becomes, becomes popular, but. It's एक दो टूर्नामेंट के बाद बोरिंग हो जाते है क्योंकि रेपिटेटिव चीज़ हो रही है कुछ वेरिएशन नहीं आती सेम लॉन्ग बोरिंग मैचेज हो जाते हैं एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे एक मैचेस चलते हैं और फिर स्पॉन्सर्स को उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ऑडियंस कम होती रहती है जब कॉम्पिटेटिव उस बेसिकली उस गेम का ई e स्पोर्ट या कॉम्पिटेटिव बंद हो जाता है तो डेव्स भी उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और इवेंचुअली गेम डेड होना शुरू हो जाता है देखो यार मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है गेम्स को लेके और एफपीएस को लेके अभी जो करंट मार्केट है उसमें एफपीएस का स्टेक होल्ड बहुत बहुत ज़्यादा है एफ का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट परसेंटेज है मार्केट में जो भी गेम्स आते हैं उसमें जो एफ मार्केट की गेम की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है तो हर कंपनी एक एफ गेम में इन्वेस्ट कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियाँ सारे कंपनियाँ एक मल्टीप्लेयर गेम लाना चाहती है मार्केट में जो उनका फुल टाइम गेम बन जाए और जो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू हो गेम का वो जो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू वो उसी गेम से अर्न हो और जो उसके साथ साथ वो सिंगल प्लेयर गेम्स निकालती रहे रिसेंटली सिंगल प्लेयर गेम्स में भी लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है अब लोग वही सिंगल प्लेयर गेम्स खेलते हैं जो पुरानी जो पुराने टाइम से जो एक सीरीज चलती आ रही है जो वेल एस्टैब्लिश सीरीज़ है या ब्रांड बन चुके है जैसे फार करे साइट गॉड ऑफ वार अनचार्टेड ये हेलो ये सारे सिंगल प्लेयर्स ही चलते हैं और अगर कोई न्यू सिंगल प्लेयर आता है तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं चलने के अगर या तो उसकी हाइप क्रेडिट नहीं होती लाइक साइबर पंक और एल्डन रिंग एल्डन रिंग बहुत साल पहले अनाउंस हो गया था जब ये एफ वाला सीन नहीं था तब तभी वो अनाउंस हो गया था और साइबर पंक का भी यही सीन है वो भी अनाउंस हो गया था दैट्स वाई जब गेम आए तो ये बहुत मैसिवली बिके uh, साइबर पेंक अपनी बेवकूफी की वजह से फ्लॉप हो गया बट एल्डन रिंग टॉप पे चला गया बट ऐसे सारे सिंगल प्लेयर गेम्स के साथ नहीं होता गेम टर्न्स इनटू अ हाइपर कॉम्पिटिटिव But I feel like that expectation has clouded the judgement of not just a wide part of the gaming community, but even the developers of these games themselves. And I can't help but feel like both sides are just missing the point. Just because a game comes out with a multiplayer mode in it doesn't mean it has what it takes to be a competitive game. Otherwise, we'd be seeing million dollar Mario Kart tournaments prop up everywhere. So, what sets Mario Kart apart from, say, League of Legends or Street Fighter? And what makes a good esport? Well, to answer that question, I बेसिकली so ये सही बोल रहा है मेरे हिसाब से आ, ये मतलब नहीं है कि कोई गेम आया वो पॉपुलर हो गया देन आपने तो उसमें एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड डाल दिया तो मल्टीप्लेयर मोड डालने से या ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड डालने से ये मतलब नहीं है कि वो गेम बहुत क्या वो केपेबल है कि वो कॉम्पिटेटिव या ई स्पोर्ट टूर्नामेंट करवाओगे तो वो ई स्पोर्ट केपेबल है ई स्पोर्ट रेडी गेम है ये ज़रूरी नहीं है और जो for rane competitive games children they, the e uh, they are the league of legends street fighter and the CSGO. go e the e they are og games and you bought time say esports machale or esports industry may yellow 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 the king they are the kings i'll go through the reasons people seem to think are true but really aren't there's a common notion that rampant dev support is needed for a game to be successful in a tournament setting that without millions of dollars from the developers and Coca Cola sponsorships at every event, then your game is just going to die. In reality, though, all that developer support can really do is artificially make the game seem like it's alive, when it very likely would be abandoned if there wasn't any monetary incentive to play competitively. Games like Fortnite had to learn this the hard way, because although the Fortnite World Cup had the biggest prize pool in esports history and a massive arena full of rabid children, it still couldn't escape the fact that the game itself doesn't make for a good viewing experience, because all you see is a battle of who gets the luckiest with their weapon drops and which player can build a tower the fastest instead of actually shooting the other guy. All you have to do to disprove this is look at the numerous examples where games have had large and passionate communities with little to no dev support such as the smash community and pretty much the entire fgc these games were or still are alive and kicking with only the passion of a few players and grassroots crowdfunding efforts to keep tournaments running so uh सही कह रही है ये देखो अगर कोई भी गेम है और उसको आपको ई e स्पोर्ट्स में आपको उसको कामयाब करना है ना तो उसके लिए डेव सपोर्ट बहुत लगेगा डेवलपर का सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि टूर्नामेंट में क्या चल रहा है क्या दिक्कत आ रही है उसको वो ठीक करते रहे या टूर्नामेंट में फ़न कैसे होगा और चीज़ें उसमें ऐड करते रहे देखो आजकल जितने भी गेम्स आते हैं उसमें कॉन्टेंट के लिए दो ही चीज़ें हो जाती है दो ही चीज़ें मतलब मेजर दो ही चीज़ें चाहे आप कोई भी गेम उठा के देख लो कोई भी आर गेम उठा के देख लो या कोई भी एफ गेम उठा के देख लो उसमें कॉन्टेंट के नाम पर सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं या तो एक नया करेक्टर आ जाएगा या तो करेक्टर्स आ जाएंगे नए या तो मैप आ जाएगा लोकेशन आ जाएगी नई चाहे वो कोई सा भी गेम हो आप रेनबो सिक्स सीज ले लो आप वेलो रंट ले लो आप एपेक्स लेजेंड ले लो या आप आर में आओ तो डेस्टिनी ले लो या जेंशिंग इम्पैक्ट ले लो दे ऑल दीज ऑल आर गेम्स इसमें यही

Smash especially shows this fully. Considering Nintendo has tried to kill its competitive scene in every way imaginable since its inception. Some people are going to say that fighting game tournaments have had full developer support and big sponsorships for about a decade now. So I can't use them as an example because they're using the same things to grow themselves that I say don't grow esports and although that is true the devs wouldn't have done much to grow the fgc in the first place if it hadn't had that backbone of passionate grassroots support from the nineties and two thousands dev support simply can't prop up a. yeah if it hadn't had that backbone of passion uh, you, you guess uh, it early times make Uh, मतलब अब तो बहुत मॉडर्न एरा आ गया है जब हम अर्ली टाइम्स में खेलते थे जब कंप्यूटर्स आए आए थे और गेमिंग जब स्टार्ट हुई थी तो uh, मेरे को याद है मैं और मेरा ब्रदर ऐसे ही खेलते थे यू नो जो लेफ़्ट में डब्ल्यू ए एस डी कीज़ होती थी और इधर राइट में एरो कीज़ होती थी तो एक प्लेयर वो डब्ल्यू ए एस डी कीज़ को कंट्रोल करता था एंड देन एक प्लेयर इधर एरो uh, uh, से कंट्रोल करके खेलता था तो वो भी एक टाइम था जब हम खेला करते थे Dev support simply can't prop up a bad esport, and similarly, adding metric shit tons of content to a game through patches isn't going to do that either. Frequent battle passes, skins, new maps, weapons, and characters are a common thing to see in modern games, and they admittedly can be a great way to keep adding to a great base game, refining the experience to its absolute best. But they are only at their most effective if there aren't any other glaring issues. देखो नॉकआउट सिटी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यू सॉफ्ट का शायद एक गेम है और यू बी सॉफ्ट कीप ऑन ट्राई कर रहा है कि कोई एक ऐसा मल्टीप्लेयर कॉम्पटेटिव गेम आ जाए ईस्ट फोर्ड गेम आ जाए जो कि वो स्टे कर ले क्योंकि उनका रेनबो सिक्स सीज जो है वो अभी फॉल कर रहा है तो वो यू uh, नो you know, कीप ऑन ट्राइंग कर रहा है कि कोई गेम ऐसा आ जाए जो चल जाए बट नॉक आउट सिटी मुझे मेरे हिसाब से तो फ्लॉप हो गया है और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि कोई भी गेम जब आता है तो उसका डे वन से या कुछ आने के एक महीने बाद से ही वो कंपनी क्यों ट्राई करती है कि उसका हम सीधा ई स्पोर्ट निकाल देते हैं मेरे को वो सिंपली लॉजिक समझ नहीं आता और एक बार बात इसने ठीक बोली है जो मेरे को सही लगती है कि कंटेंट के नाम पे आप पैचेस uh, कर देते हो गेम में पैचेस uh, एक चीज़ होती है देखो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ई e स्पोर्ट एक बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से ई e स्पोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है आपको करियर अपॉर्चुनिटी देती है अगर आपको गेमिंग में करियर बनाना है और आप नहीं हो एक स्ट्रीमर नहीं हो कंटेंट क्रिएटर नहीं हो ना आपके बस की है स्ट्रीम करना और कंटेंट क्रिएट करना तो आप एक ई स्पोर्ट प्लेयर बन सकते हो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती आपको कंपनी हायर कर लेगी और आपको एडिटर्स वगैरह भी मिल जाते हैं तो अगर आपको कुछ कंटेंट अपलोड करना है यूट्यूब पे और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट होता है तो वो भी बहुत फ़ायदा है तो स्कोप है इंडिया में भी अब काफ़ी स्कोप है जैसे आप एपेक्स का भी एपेक्स का भी वेलो ई स्पोर्ट होता है जो हाई टीयर ई स्पोर्ट्स होते हैं वो इंडिया में डोटा के होते हैं सी एस के होते हैं और वेलोरेंट के होते हैं दे आर जी टॉप टीयर्स ई स्पोर्ट इन इंडिया एपेक्स का भी उस लेवल पे ई स्पोर्ट नहीं होता तो वेलर का काफ़ी स्कोप है और आई एम नॉट काउंटिंग बी जी एम आई हेयर क्योंकि मेरे हिसाब से बी जी एम आई इज़ नॉट दी आइडल गेम जो कि इंडिया को प्रमोट कर सकता है या इंडिया में गेमिंग प्रमोट कर सकता है या गेमिंग का कुछ वेल नोन करियर बना सकता है मुझे नहीं लगता क्योंकि बैन तो होता रहता है आए दिन तो वेलोडेंट और ये सब का बहुत स्कोप है अब दो चीज़ें होती है मेरे हिसाब से पर्सनली जो मेरे को फील होती है दो चीज़ें ई स्पोर्ट्स की ई स्पोर्ट के अगर फायदे हैं तो ई स्पोर्ट्स के नुकसान भी है अब जो फ़ायदे हैं वो फायदे सिर्फ उनके लिए ही है जो लोग ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और जिस जि कंपनी का ई स्पोर्ट है मतलब अगर मान लो वेलोडेंट का ई स्पोर्ट हो रहा है तो ई स्पोर्ट के फायदे दो ही लोगों को हो रहे हैं ई स्पोर्ट खेलने वालों को और वेलोरेंट वालों को उस वेलोरेंट के ई स्पोर्ट्स से देखने वाले को और या कैजुअल गेमर्स को कोई भी फायदा नहीं हो रहा ई स्पोर्ट्स से और इवन डिसएडवांटेज और नुकसान ही हो रहा है मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ एपेक्स लेजेंड का एपेक्स लेजेंड आपने कभी खेला हो या रेनबो सिक्स रेनबो सिक्स अपने टाइम पे एक टाइम पे एफ पी एस का किंग था सी एस गो के बाद नाम आता था सिर्फ और सिर्फ रेनो सिक्स का और रेनो सिक्स ईच का बहुत हार्ड हाई लेवल पे ई स्पोर्ट होता था और अभी भी होता है इतने हाई लेवल पे होता है कि अब उसका वर्ल्ड कप होना शुरू हो गया है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ यू नो परफॉर्म पार्टिसिपेट करते हैं और ये अभी से नहीं है बहुत टाइम पहले से होना शुरू हो गया है गेम का जो फॉल हुआ था वो अपने ई स्पोर्ट के कारण ही हुआ था क्योंकि कंपनी ने इतना ज़्यादा हैविली फोकस कर दिया था ई स्पोर्ट पर कि उन्होंने कैजुअल गेमर्स के बारे में सोचा ही नहीं और जो अगर आप परसेंटेज निकाल के देखोगे एक कैजुअल गेमर्स और एक हार्ड कोर ई स्पोर्ट गेमर्स में तो परसेंटेज जो कैजुअल गेमर्स की बहुत ज्यादा निकल के आएगी मेरे हिसाब से तो सिर्फ ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ही वो ई e स्पोर्ट और वो स्ट्रीमर्स होते होंगे बाकी जो 70 टू 80 परसेंट है वो सारे आपके कैजुअल गेमर्स होते हैं कैजुअल गेमर्स मतलब ना तो उन्हें ई स्पोर्ट्स से कोई लेना देना ना तो उन्हें स्ट्रीमिंग या कंटेंट क्रिएशन से कोई लेना देना वो लोग अच्छा खेलते हैं वो लोग हाई रैंक भी जाते हैं बट दे जस्ट प्ले द गेम दे इन्वेस्ट मनी इन द गेम एंड दे प्ले द गेम फॉर सेटिस्फेक्शन क्योंकि उन्हें गेमिंग पसंद है अब ई e स्पोर्ट के आने से होता क्या है कि अगर हैवीली कंपनी ई स्पोर्ट में फोकस करने लग जाती है तो वो गेमिंग एक्सपीरियंस जो कैजुअल गेमर्स के लिए वो बिगाड़ देती है जैसे एपेक्स में मैं एग्जांपल देता हूँ एपेक्स में कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे वेपन हैं, जो कि इन्होंने ट्वीट करे ऑन द बेसिस ऑफ ई अब मेरा एक लॉजिक है कि आप उन चीजों को ई e स्पोर्ट में अवेलेबल ही मत करो ना जैसे ई e स्पोर्ट जैसे एपेक्स में एक चीज है नॉकडाउन शील्ड जब भी आप नॉक होते हो तो आप उस नॉकडाउन शील्ड से अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो बट ये चीज इन लोगों लो ने हटा दी क्योंकि ये चीज ई स्पोर्ट के लिए नहीं रिलायबल थी अब मेरा एक एक चीज मानना है कि अगर ये रिलायबल नहीं है तो आप वो जो शील्ड है नॉकडाउन शील्ड वो ई e स्पोर्ट में हटा ही दो ना कि आप यूज नहीं कर सकते या आप स्पॉन ही मत करो बट दे आर मेकिंग चेंज ज ऑन द बेसिस ऑफ ई स्पोर्ट अब वो जो चेंजेस होते हैं वो जो प्रो प्लेयर्स या वो कॉन्टेंट क्रिएटर्स बोलते हैं चेंजेस करने के लिए अब वो वहां सुन लेते हैं क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है एक ई e स्पोर्ट में ई स्पोर्ट इवेंट्स में टूर्नामेंट्स में और वो अफेक्ट करती है पूरी की पूरी पूरी की पूरी कम्यूनिटी को जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है outside of the game's content it doesn't matter how many skins and characters multiverses adds, it's not going to fix the server connectivity issues and the lack of modes other than online verses and you can see the results of that in its dramatic drop in players since release if you want a modern game for an example take csgo a game that has had periods of years go by with little to no significant देखो इसने अभी मल्टीवर्स की बात करी है मल्टीवर्स अभी रिसेंटली गेम आया था और वो गेम बहुत पॉपुलर हो गया था पर उस गेम की दो मेजर इशू है जो इसने बताया और मेरे हिसाब से बहुत सही इशू है पहले तो वो वाइडली अवेलेबल नहीं है उसके इतने सारे सर्वर्स नहीं है अगर आपको खेलना है तो आपको बहुत लिमिटेड सर्वर्स पर वो खेलना पड़ेगा हो सकता है आपकी कंट्री उस सर्वर से बहुत दूर हो तो आपको पिंग इशूज़ हो सकते हैं और अगर आप सर्वर के नियर भी हो तो उसके सर्वर उतने अच्छे नहीं है कि आप उतना हैप्पीली खेल पाओगे और भले उन्होंने टूर्नामेंट्स वगैरह करने भी शुरू कर दिए हो जबरदस्ती के बट वो जो सर्वर इशू प्रॉब्लम है वो लोग फिक्स वो लोग फिक्स ही नहीं कर रहे हैं उस गेम में भर के करेक्टर्स है उस गेम में भर के स्किन्स है बट वो चीज़ें गेम को बढ़िया नहीं बनाती गेम को बढ़िया बनाती है सर्विसेज आप सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहे हो और गेम के जो मेजर इश्यूज है वो आप फ़िक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे अगर आप गेम के मेजर इश्यूज ही फिक्स नहीं करोगे तो गेम बहुत रेपडली फॉल कर देगा बहुत इसका इसका भी प्राइम एग्जाम्पल अगर मॉडर्न टाइम में बोलोगे तो मल्टीवर्स है क्योंकि ये बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है नतीश और इसके बाद सी एस गो तो हमें पता ही है मैंने अभी पहले भी बोला था कि सी एस गो इज़ दी प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ ई स्पोर्ट्स शुड बी CSGO से बड़ा e आज के टाइम में अभी भी नहीं है और जबकि को आए इतना टाइम हो गया फिर भी CSGO का अभी e अभी तक चल रहा है। CSGO गेम अभी तक चल चल रहा रहा है है गेम और बहुत बड़े लेवल पे सी एस गो का ई e स्पोर्ट होता है और लोग देखते time जब से वेलेडन ड्रॉप हुआ है वेलेडन टू ट्वेंटी 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 में ड्रॉप हुआ था और तब से कोई मेजरली न्यू कंटेंट सी में आया नहीं है तो हम जो बात करते थे कि एक गेम को लाइव रखने के लिए यू you नो know, आपको एक कंटेंट चाहिए रैपिडली कंटेंट चाहिए कि यार कंटेंट आना चाहिए आता रहना चाहिए आता रहना चाहिए जब भी गेम जिंदा रहेगा और उसका ई स्पोर्ट चलता रहेगा ऐसा भी नहीं है और ये सही कह रहा है मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि

जो मैंने भी बोला कि अगर बहुत ज़्यादा बहुत कम कंटेंट होगा गेम में तो आपको लगेगा यार कि उतनी चीज़ें नहीं हैं बट अगर बहुत ज़्यादा भी कंटेंट हो जाएगा तो गेम बहुत you know blow to the gap yeah boss too yeah impact the game experience if the new map or weapon favors a degenerate strategy smash 4 was a perfectly fine game that received constant updates and new stages and characters and these characters added a lot to the game however the final dlc character bayonetta ended up ruining the game so badly that nintendo shipped out an emergency last minute patch to fix her which

वो आने के तुरंत बाद ही उन्होंने एक पैस डाल दिया था जिसमें उसे नर्फ कर दिया था निटेंडो ने बट उससे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि एक जो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम मैंने खुद लाइव भी देखी है बहुत सारी गेम्स में देखो सीज में भी ऐसा हुआ था कि कुछ करेक्टर्स आए थे और उन्होंने गेम पूरा बिगाड़ दिया था जैसे उसमें एक करेक्टर था ब्लिट्स उन्होंने ब्लिट्स को बफ कर दिया फॉर नो फाकिंग रीजन और ब्लिट्स ने क्यस मचा दिया था ब्लिट्स क्या करेक्टर था रेनो सिक्स में रेनबो सिक्स एक बहुत सिमिलर गेम था तुम्हारे वेलोडेंट से मोर टैक्टिकल था जैसे वेलोडेंट से ज़्यादा वो टैक्टिकल गेम था उसमें शील्ड्स वगैरह होती थी और उसमें एक करेक्टर था जो हाथ में शील्ड लेके चलता था और वो अपने हा शील्ड से फ्लैश कर सकता था अब वो बहुत पुराना करेक्टर था बट उसको लोग खेलते नहीं तो उसका पिक रेट बहुत कम था तो सीज वालों ने उसे नर्व कर बफ कर दिया इतना बफ कर दिया कि उसने गेम में क्योस मचा दिया और लिटरली लो, काफी लोगों ने उसके बाद खेलना छोड़ दिया वो तो अलग बात है कि उन्होंने महीना लगा दिया उसको फिक्स करने में वापस से uh, मतलब उसकी पुरानी पोजीशन में लाने के लिए बट तब तक उन्होंने काफी प्लेयर्स अपने खो दिए थे तो ज्यादा कंटेंट और ज्यादा कंटेंट भी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो और क्वान्टिटी से तो ज्यादा बेटर होगा And I fully agree, but let's focus on that point a little more. Because all of these big company sponsorships and content altering patches pale in comparison to the most important thing that everyone says a good esport must have the elusive and ever desired concept of balance. It's the idea that as many options in the game should be viable at the highest levels of play, and through that, the metagame will be healthy and intriguing for the players and a fascinating experience to watch for the viewers at home. Balancing a game is always tough, and there's a ton of different philosophies you can use to accomplish it. But the one that has propped up over the last few years is the idea of perfect balance—that everything should be as equal as possible for a game to be any fun competitively. देखो यहाँ पे different of opinion हो सकता है, ठीक है? अब opinion होता है game is perfectly balanced बनाओ कि ना कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है तो स्ट्रॉग है ना तो उसमें बहुत ज्यादा वीक चीज तो है तो बहुत वीक है एक थिन लाइन ढूंढो कि परफेक्ट ये सब परफेक्ट है परफेक्टली बैलेंसड है ये एक ओपिनियन है बट ये एक ओपिनियन चलता है आपका ई स्पोर्ट से रिलेटेड अगर आप ई स्पोर्ट खेल रहे हो या टूर्नामेंट खेल रहे हो तो वहां पे ये ओपिनियन बहुत ज्यादा पर आ जाता है पर बहुत लोगों का ओपिनियन मैंने पर्सनली सुना है वो लोग बोलते हैं कि गेम में कुछ ओवर पावर्ड चीज़ें भी होनी चाहिए ओवर पावर्ड तो नहीं कुछ पावरफुल चीज़ें होनी चाहिए चीज़े और उनको स्किल बेस्ड बना दो कि अगर आप में स्किल है तो ही वो आप उतनी पावरफुल चीज़ें यूज कर पाओगे अब इसमें एक और ओपिनियन आ जाता है कि ये तो गेम ब्रोक कर देगा ये तो गेम बिल्कुल अनप्लेएबल बना देगा तो ये एक डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रहता है मुझे कमेंट में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है जो एफ पी एस गेम है वो परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए या उसमें थोड़ी बहुत अगर पावरफुल चीज़ें हो तो भी चलेगा अगर उनको आप स्केल बेस बना दोगे आपका क्या ओपिनियन है ये जो बंदा बोल रहा है ये बोल रहा है कि परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए बट ये जो परफेक्टली बैलेंस वाली स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से स्टेटमेंट पूरी रिवॉल्व करती है पूरी की पूरी ये ई e स्पोर्ट्स के आसपास ही घूमती है स्टेटमेंट और कुछ नहीं है But again, if you look at the history, you'll see way too many examples of beloved games that have had varying levels of balance. Smash Bros. Melee, Tekken Tag Tournament One, Marvel vs. Capcom Two, Street Fighter 3 Third Strike. All of these games are considered to be some of the greatest competitive games in their genre, yet have completely unbalanced rosters where only a. Street Fighter, Tekken. Yeah, we games in, in India. वेंडिंग मशीन वगैरह लगती थी वहाँ पे हम खेलते थे ये गेम कॉइन डाल के इसमें पूरा बेट भी लगाते थे और ये बहुत अच्छे लेवल पे था इसका ईस्पोर्ट e भी होता है होते थे और बहुत अच्छे लेवल पे होते थे तो हमें पता ही ये गेम कितने अच्छे थे और कितने परफेक्टली बैलेंस थे Okay, at this point some of you might be thinking something like This guy is such a dumbass. He's making it seem like none of these things matter with anecdotal examples of games that came out 20 years ago that didn't have any of those things. These games didn't have the same standards or lofty expectations that we have now, nor do they have the same level of options that we do now. Players at the time probably just stuck with their game despite being unbalanced or bloated or whatever, right? Wrong. Wait. No! Allow me to disprove that statement with another. People in the 90s didn't care about esports, so it's not fair to use them as an example for more times. time. देखो ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत लोग बोलेंगे कि गेमिंग पहले तो कुछ नहीं थी अब गेमिंग इवॉल्व कर रही है अब गेमिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है इसलिए अब जो है कंपटीशन बढ़ गया है इसलिए अब डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो गया है इसलिए तुम ये जज कर रहे हो ये कर रहे हो ऐसा नहीं है सब बढ़िया है देखो मेरे हिसाब से गेमिंग अभी इवॉल्व नहीं करी है गेमिंग अब से ज़्यादा तो पहले टाइम पर बेटर थी जो पहले गेम्स आते थे मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर थे अब मुझे रिसेंटली बता दो कौन सा ऐसा सिंगल प्लेयर गेम है जो तुमने खेला और तुमने बोला हो यार ये तो गलत ही है बहुत ही कम गेम्स है सिंगल प्लेयर में जो अब जाके यू uh, नो you know, हीरो गेम्स बनते हैं और इवन इन एफपीएस बहुत कम गेम है जो जाके हीरो गेम्स बनते हैं जो पुराने गेम्स है वो तुम अभी भी खेलने के लिए तैयार होंगे मैं तुम्हें दादे मैं तुम मैं हंड्रेड परसेंट दावे के साथ ही बोल रहा हूँ कि कोई भी नाइन्टीज़ का किड होगा अगर कोई भी कोई भी अभी बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस साल का होगा या इससे ज़्यादा एज का होगा और आप उसको कोई पुराना गेम खेलने के लिए बोलोगे पुरानी गेम में से आप कोई सा भी गेम उठा सकते हो बेटल फील्ड पुराने वाले सासन क्रेड पुराने वाले सी एस गो बोलोगे उसको खेलने के लिए या उसको कोई भी पुराना स्ट्रीट फाइटर या टेकन खेलने के लिए बोलोगे या मारियो रिलेटेड गेम खेलने के लिए बोलोगे तो डेफिनेटली तैयार हो जाएगा खेलने के लिए और एक्साइटेड एक्साइट हो जाएगा कि यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई और यार क्या गेम हुआ करते थे तो ये बात कहनी कि पुरानी गेम्स को एग्जाम्पल लेके आप नए गेम से कंपेयर कर रहे हो ये फेयर नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है ये बंदा सही बोल रहा है A anecdotal example Well, to answer that question i think it's finally time to get into the actual things that i think create a great and successful eSport okay yes good <laughs> Good e game. Let's see so Our opinion so the game needs to be easy to understand and watch. It doesn't necessarily have to be fast paced, okay. but what it does have to be is something that even someone who has never even seen the game before can look at and understand it just from a glance. The game's objectives, important elements such as ओके okay, ये कह रहा है कि बेसिकली गेम इजी टू वॉच और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए मैं एग्री करता हूँ उस पूरे पॉइंट से अब मैं इसका आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ ओवर वॉच वन आया था मुझे नहीं पता था कुछ भी यासी ना है उस टाइम मुझे ओवर वॉच का कुछ भी अच्छा नहीं लगता था जबकि मेरे को पता है कि ओवर वॉच जब वन आया था तो काफ़ी फेमस था ईस्ट वगैरह भी काफ़ी होता था उसका बट मुझे कुछ नहीं पता था ना मैं देखता था मेरे फ्रेंड्स खेलते थे, थे बट मेरे को उतना इंटरेस्ट कभी आया नहीं बट जब ओवर वॉश टू आया और एक और रीज़न हो सकता है कि ओवर वॉच में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि वो फोर थाउजेंड या थ्री थाउजेंड या फोर थाउज़ेंड रुपये का बिकता था, था, था मेरी औकात ही नहीं थी इतना महंगा गेम खेलने करी नहीं कि उस टाइम तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया अब जो चीज़ मेरे औकात के बाहर है वो उस चीज़ को देख के या खेल के मतलब देख के भी क्या ही करूँगा जब ओवर वॉश टू आया तो ओवर वॉश टू जब जब आया तो वो फ्री आया ठीक है अब ओवरवॉच जब फ्री आया मैंने इंस्टॉल कर लिया अब जिस दिन मैंने इंस्टॉल किया था उस दिन रात को अब ये सब बातें तो सुनते ही है यूट्यूब और फेसबुक तो मेरे को मेरी यूट्यूब फीड पे ओवरवॉच की वीडियोस आने लग गई देर देर इज़ अ टूर्नामेंट गोइंग ऑन ओवरवॉच का मैंने कहा यार देखते हैं अब द थिंग इज़ मैं टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है अब जिस जिन लोगों ने ओवरवॉच खेला होगा अब तो मैंने ओवरवॉच काफ़ी खेल लिया मेरे उसमें 300 या 300 से 400 घंटे भी है तो मुझे पता है ओवरवॉच के बारे में क्या है बट मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तुम्हें पता है ओवर वॉच एक कैसा गेम है और वॉच में कितनी सारी चीज़ें क्या क्या होता है डिफरेंट मोड्स हैं डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनकी डिफरेंट वर्किंग है और उसकी खुद की गेम की भी वर्किंग अलग है मैकेनिज्म बहुत अलग है तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया जो कि मेरे को बहुत बेकार चीज़ लगी थी और मैंने उसके बाद कभी भी ओवर वॉच का टूर्नामेंट देखा ही नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी मेरे को कुछ खास समझ नहीं आने वाला क्योंकि जब मैं ओवर वॉच खेला हूँ तो वो बहुत क्योरटिक गेम है तो मुझे तो यही लगा था कि इसका अगर ई स्पोर्ट भी देखूँगा तो कुछ साथ खास समझ में आने वाला नहीं है तो मेरे हिसाब से इसका बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है कि यू नो Game easy to understand or easy to watch on a Easy to understand, so understand, but easy to watch me easy to watch this. Health and damage and even strategies need to be as easy to understand as possible. As an easy to understand game is going to have a much simpler time bringing in new players than a visual clusterfuck like Fortnite's proceed. Overwatch has consistently run into this problem with its eSports circuit too, where there are just so many particle effects and stuff happening. अब ये देखो यही व्यू मेरे को मिला था और अब मुझे समझ आ गया है कि इजी टू वॉच से इसका क्या मतलब है और ये ओवर का भी एग्जाम्पल दे रहा है अब ओवर में ये व्यू मेरे को मिला था जब फर्स्ट टाइम मैंने ओवर ओपन किया था मतलब वीडियो ओपन करी थी और टूर्नामेंट चल रहा था तो यही सब चीज़ें आ रही थी स्क्रीन पे अब ये देख रहे हो यूएस लिखा है इधर चाइना लिखा है अब मुझे इससे समझ आ रहा है कि यूएस वर्सेस चाइना है अब उधर एक ये कितने कैरेक्टर्स है दो दो छह करेक्टर्स है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह करेक्टर इधर है छह मुझे इतना याद नहीं है कितने होते हैं काफी टेम्पल के लिए और आई गेस आईवर वॉच वन की भी क्लिप हो सकती है जहाँ पे में दो टैंक्स होते थे और 2 में इन्होंने तो 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 एक ही टैंक पे कर दिया था इधर छह प्लेयर है इधर छह प्लेयर है उनकी एचपी है अब ये देखो एक चीज है की उनपे परसेंटेज लिखी आ रही है और नीचे उनकी एच है मतलब कुछ बार बना रहा है अब वो और इधर 99% लिखा आ रहा है इधर बीच में ए लिखा आ आ रहा है वो टाइम लिखा रहा है

a competent and passionate community and tournament organizers i'm not talking about some random bog standard event organizer i'm talking about someone from the community of their game that's passionate and hardworking usually someone who was a die-hard player themselves who transitioned into toa esports for the most part is not a very profitable industry so to put on the greatest events on a frequent basis you need people who are willing to lose money on running tournaments ये देखो इसने ये जो सेकंड बार्ट बोला है ये बोला है कि पैशनेट एंड अ गुड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र अब पैशनेट और गुड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से इसका मतलब है कि यार कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो गेम खुद खेलता हो उसने गेम कभी कुछ खेला हो और वो उसको पर्सनली वो गेम बहुत पसंद हो और वो बहुत पैशनेट हो उस गेम को लेके तो उसी से आप बोलोगे कि ऑर्गेनाइज करवाने के लिए तो ज़्यादा बेटर होगा अब दूसरी चीज़ हमने बोली कि ई स्पोर्ट एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं है इस इसपे मैं अब इस पर इस बात से तो मैं एग्री करता हूं ई e स्पोर्ट एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं है अब फिर अब अब आप बोलोगे कि ई स्पोर्ट एक प्रॉफिटेबल प्रौफिट, इंडस्ट्री नहीं है तो ई स्पोर्ट में लोग घुसते क्यों हैं अब ई स्पोर्ट में कोई भी कंपनी अपना ई स्पोर्ट बनाती है जस्ट टू प्रमोट देयर गेम अब देखो कोई भी गेम होता है ना वो ई स्पोर्ट से बहुत बड़ा हो जाता है अगर उसका ई स्पोर्ट फेमस हो जाता है ना या थोड़ा सा भी फेमस हो जाता है तो लोग खेलने लग जाते हैं अब मेरा जो पर्सनल व्यू व्यू है कि अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और उसका ई स्पोर्ट होता हो और बहुत अच्छे लेवल पर होता हो ना तो एकदम पम्प आता है खेलने में कि यार ये गेम कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में क्योंकि इसका ई e स्पोर्ट बहुत हाई लेवल पे होता है अब वेलो अब सी एस गो अभी तक अलाइव इसलिए है दो साल से उसमें कोई कंटेंट नहीं आया उस गेम में मेजर कोई भी मेजर कंटेंट नहीं आया सी एस गो में बट वो गेम अभी तक खेलते हैं लोग क्यों क्योंकि उसका टूर्नामेंट बहुत हाई लेवल पे होता है तो वो आपको एक रिस्पेक्टिव पोजिशन में प्लेस कर देता है कि यार ये गेम बहुत बड़ा है ये गेम ये चुन्नू मुन्नू गेम जो आ रहे हैं आजकल इनसे कुछ भी नहीं एटलीस्ट ये मेरी थिंकिंग है तो ये गेम बहुत बड़ा है ये गेम बहुत बड़े लेवल पे इसके टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो ये गेम खेलना चाहिए अब अगर तो मैक्सिमम जो कम, गेमिंग कंपनीज हैं वो यही करती है ई स्पोर्ट बड़ा बनाने की कोशिश करती है उस गेम का और स्टार्ट डे वन से ही वो उस गेम का ई e स्पोर्ट इंट्रोड्यूस कर देती है जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी कि देखो यार अपना ले, गेम भी बहुत हाई लेवल है अब ये दो तरफ चीज़ें ले जा सकता है या तो गेम पूरा तरीके से बर्बाद कर सकता है वो ई e स्पोर्ट वाला आइडिया या तो वो गेम को बहुत चढ़ा सकता है इसका बहुत प्राइम एग्जाम्पल है वेलोरेंट वेलोड का भी डे वन से ई uh, स्पोर्ट e है बट वो एक कंपनी का है राइड गेमिंग राइड गेमिंग का ऑलरेडी एक गेम है लीग ऑफ लेजेंड तो दे नो वट टू डू विद द ई स्पोर्ट विद द गेम वो बहुत लिमिटेड गेम्स बनाते हैं एंड दे आर दी इन इन दिस कैटेगरी तो लीग ऑफ लेजेंड ऑलरेडी उन्होंने बहुत टॉप टीयर चीज़ बना दी है और उसका ई स्पोर्ट भी बहुत टॉप टीयर है तो so, वही स्ट्रैटेजी वही चीज़ें उन्होंने वेलोडन में लगाई और वेलोडन का भी डे वन से ई स्पोर्ट है जो कि उसे बर्बाद नहीं किया गेम को एक अलग ही लेवल पर लेके चला गया Tournaments simply for the love of the game. It's what built the early days of Counter Strike, the FGC, and pretty much every esport that stood the test of time. Uh, but I agree with you that, that you have organized a tournament that is passionate. उस गेम को लेके ऐसा नहीं है क्योंकि देखो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और गेम खेलना और गेम के लिए पैशनेट होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं यार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की भी स्किल्स होती है अपनी स्ट्रैटेजीज होती है जो एक पैशनेट गेमर को शायद ना पता हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो एक पैशनेट गेमर पे या पैशनेट बंदे पे जो गेम को लेके बहुत पैशनेट है बट उसको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का कुछ घंटा नहीं पता तो एक ऐसे बंदे के हाथ में तुम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दोगे या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में तो हो सकता है आपके गेम को डुबा के भी ले जाए तो ये बात पर मैं इससे एग्री नहीं करता बट हाँ पहले वाला पॉइंट सही था दूसरे वाला पॉइंट मेरे को उतना वैलिड लग नहीं if your game's competitive scene can't at some point sustain itself on passion alone, then it has little hope of succeeding in a wider context. And three, This one is the most important one. The game's mechanics need to be as perfectly balanced as possible. Some of you are going to say that I'm contradicting myself here as I literally just said... Okay, third point is, third point is that the game's mechanics should be balanced. I agree with Look, या बहुत सारी गेम फॉल कर जाते हैं जस्ट बिकॉज उसमें एक ही मेटा चल रहा है एक ही चीज़ चल रही है जो कि रैपिडली एक ही चीज़ कर रहे हैं लोग उस गेम में और वॉच का जो मेटा है और वो वॉच का जो ई स्पोर्ट है वो आज तक इसलिए ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि उसमें लोग एक ही चीज़ करते हैं एक दो ही चीज़ होती है एक दो मेटा होते हैं वही फॉलो हो रहे होते हैं जैसे एक दो करेक्टर्स है वही यूज़ हो रहे होते हैं और लोग उन्हीं को यूज़ करके चल रहे होते हैं

आप री लॉन्च भी कर सकते हो गेम को इसका प्राइम एग्जांपल ओवरवॉच है ओवरवॉच वॉच वन में तो मैंने जैसे बताया दो टैंक्स लेके जा सकते थे आप दो टैंक्स लेके जा सकते थे तो वो चीज़ बहुत इरिटेट करती थी लोगों को और उसमें एक मेटा चलता था जो कि दो वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट टैंक होते थे तो लोग उनको कॉम्बिनेशन मार के यूज़ करते थे बट इन्होंने ओवर वॉच में क्या किया दो टैंक से एक टैंक कर दिया तो मैसिवली ग्रोथ हुई है गेम की बहुत ज़्यादा मैसिवली ग्रोथ हुई है ओवर वॉच के भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो वापस आ गए और ओवर वॉश में नए प्लेयर्स भी जुड़े क्योंकि गेम में फिक्सित होगी वॉर जोन में भी इन्होंने यही चीज़ किया वॉर जोन भी फिक्स करके दोबारा निकाला है वॉर जोन फिर से वॉर जोन टू फिर से मार्केट नहीं बना पाया बट विल सी कि वॉर जोन टू कहाँ तक चला जाएगा देखो बैटल बैटल रॉयल में एपेक्स उतने हाई लेवल पे अभी जा नहीं पाया तो मुझे नहीं लगता है यार कि वॉर जोन अभी कहीं भी मार्केट अपनी बना पाएगा power there are always going to be players who will avoid them by using different characters or weapons low tier heroes are a thing in every game but when the core gameplay mechanics heavily favor a particular strat or playstyle what are they going to do avoid the mechanics avoiding the game's mechanics is basically the same thing as not playing the game at all so from that perspective it's obvious just how important a balanced core gameplay loop is in that sense the metrics for what देखो सही कह रहे देखो गेम बैलेंस होना चाहिए इन अ वे देखो अगर कोई गेम में मैकेनिक्स है तो वो मैकेनिक्स फॉलो होनी चाहिए हर करेक्टर हर वेपन और गेम के हर एलिमेंट के साथ अगर आप कोई मैकेनिक्स गेम के मैकेनिक्स अवॉइड करके भूल के कोई एक एलिमेंट ऐसा गेम में डाल रहे हो या कोई वेपन ऐसा करैक्टर ऐसा गेम में डाल रहे हो जो गेम के मैकेनिक्स को फॉलो नहीं कर रहा तो दैट्स दैट्स अ प्रॉब्लम दैट्स वेयर योर गेम इज़ गोइंग टू फॉल वो ही एक मोमेंट है जहाँ आप पर आपका गेम जो है फॉल करना शुरू कर जाएगा क्योंकि बहुत गेम्स के साथ हुआ है वो गेम में कोई ऐसा करेक्टर डालना है जो गेम को ब्रोक कर रहा है और वो ब्रोक क्यों कर रहा है क्योंकि वो गेम के जो सिंपल मकैनिक्स है बेसिक मकैनिक्स है वो फॉलो नहीं कर रहा है वो उनके बियॉन्ड जाके काम कर रहा है और बाकी करेक्टर्स बाकी वेपन बाकी एलिमेंट्स तो मैकेनिक्स फॉलो कर रहे हैं ना तो वो अकेला नहीं करेगा तो वो एकदम शाइन करेगा और गेम को प्रो कर देगा तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को इसका लगा व्हाट मेक अ गुड ईस्पोर्ट अ वेरी सिमिलर टू व्हाट मेक्स अ गुड गेम इन जनरल नोबडी वांट्स टू प्ले अ प्लेटफॉर्म वेयर रनिंग एंड जंपिंग अ स्लो आफ्टर ऑल बट द प्रॉब्लम इज इन द पर्स्यूट ऑफ दिस ईस्पोर्ट्स ड्रीम एंड इटर्नल रेलेवेंसी अ लॉट ऑफ डेवलपर्स सीम टू लूज साइट ऑफ दैट फैक्ट थिंक अबाउट द बिगेस्ट लाइव सर्विस गेम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ लीग ऑफ लेजेंड्स वैलोरेंट एपेक्स लेजेंड्स all of these games seem to be in good states now but where will they be in twenty years. ye अगर एक गेम बहुत अच्छी तरह बैलेंस होगा और उसका ई स्पोर्ट बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा होगा और इन अ गुड वे ग्रो कर रहा होगा तो वो गेम खेलने में मज़ा आएगा वो गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा एंड यू फील अप दैट पम्प मैंने जैसे बताया कि मेरे को पर्सनली वो गेम खेलना पसंद है जिसका जो ई स्पोर्ट है वो बहुत अच्छे लेवल पर होता हो और गेम बहुत अच्छी तरह बैलेंस हो मैंने बताया था एपेक्स जब स्टार्टिंग में आया था तो एपेक्स ये इशू फेस करता था बट अब अगर अब की बात करो तो एपेक्स में ये इशू नहीं है एपेक्स में ये सॉल्व हो गया है और वेर और League of में तो वन से ये 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 नहीं है। मैंने अभी अभी तीनों तीनों नाम भी लिए सबसे हैं you know, e हैं। जो कर रहे हैं। But the point is कि इनका फ्यूचर क्या है अब देखो ई e स्पोर्ट में आप घुसते हो ई e स्पोर्ट में बहुत लोग बोलते हैं कि करियर है वो करियर है तो वो करियर कितने साल तक है और क्या है अब ई स्पोर्ट गेम या एफपीएस गेम ऐसा ही होता है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो अब फुटबॉल जो खेल रहा है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता या जो क्रिकेट खेल रहा है वो फुटबॉल नहीं खेल सकता ऐसा नहीं है कि वो पाँच साल क्रिकेट खेल के फिर फुटबॉल खेलने चला जाएगा या पाँच साल फुटबॉल खेल के वो क्रिकेट खेलने चला जाएगा और दोनों जगह जाके वो बहुत नाम कमा लेगा बहुत पैसा कमा लेगा नहीं देखो ये तीनों ही गेम अपनी कैटेगरी में बहुत डिफरेंट गेम है लीग ऑफ लेजेंड के जो मैकेनिक्स है जो मूवमेंट है वो बहुत डिफरेंट है वेलोरन के जो मैकेनिक्स है जो मूवमेंट है बहुत डिफरेंट है एपेक्स के जो मैकेनिक्स है जो मूवमेंट है वो बहुत डिफरेंट है तो मास्टरी करना तीनों चीज़ों में और तीनों चीज़ों की आदत डालना ये एक यही एक बहुत बड़ा इशू है if their level of success stays the same then probably but i guarantee you the obsession that these games' as devs have with constant content updates and frequent balance patches will mean that the apex of today will look nothing like the apex of 2042 and what if these changes actually made the game worse rather than better what will you do then play an older version of the game this isn't Minecraft version swapping. These games require you to be online in order to play them. So it's ride or die with the current version until the devs fix it. And if the game servers get shut down, then tough luck. You are never playing this game again. Basically, saying that now, these three games, League of Legends, Valorant, Apex, are now their perfect stage. Okay? If तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब इतनी अच्छी तरह ग्रो करते रहेगी कि ई और राइट ने रेपिडली कॉन्टेंट अपडेट दिए दे देंगे और पैचेस देंगे जो कि गेम को बैलेंस रखेंगे बट बट अगर ये गेम इन अ वे फे, फेल हो जाते हैं कोई ऐसा पैच आ जाता है जो तुम्हें पसंद ही नहीं है तो देय इज नो गोइंग बैक देखो ऑनलाइन गेम्स का इशू ये होता है यू हैव टू बी ऑनलाइन टू प्ले दैट गेम और ये लोग ऑप्शन ही नहीं देते टू गो बैक टू द प्रीवियस पैचेस क्योंकि वो तो गेम ब्रोक ही कर देगा पूरा ऑनलाइन गेम है भाई ऑनलाइन में तो दूसरा कोई और वर्जन पे होगा तुम कोई और वर्जन पे होंगे तो लॉबी ही नहीं बन पाएगी मैच ही नहीं हो पाओगे तो आप स्टक हो जाओगे उस वर्जन के साथ और उस पैच के साथ आप स्टक हो जाओगे जब तक वो चीज़ फिक्स नहीं होती और मान लो फिक्स ही नहीं करी डैब्स ने और वो गेम अल्टीमेटली ऑफ सर्विस हो गया ये सारी गेम्स लीग ऑफ लेजेंड ए एपेक्स या जितने भी एफ गेम आते हैं दे आर लाइफ सर्विस गेम लाइफ सर्विस गेम मतलब ये लोग इस गेम्स एक सर्वर पर चलते हैं जो सर्वर से पूरा गेम कंट्रोल होता है जिसमें लाइव अपडेट्स आते रहते हैं और लाइव कॉन्टेंट आता रहता है तो उस लाइव सर्विस ही अगर बंद हो गई तो देन क्या करोगे मेरे हिसाब से सही बोल रहा है हर गेम देखो ई e स्पोर्ट गेमिंग को रूइन नहीं कर रही है मुझे नहीं लगता कि वो गेमिंग इंडस्ट्री या गेमिंग इन जनरल डिस्ट्रॉय कर रही है ई स्पोर्ट बट येस ई स्पोर्ट एक गेमिंग एक्सपीरियंस को बेकार कर रही है अब तुम ही देख लो कितने ही गेम्स अब आते हैं जो अच्छे निकलते हैं कुछ आते हैं एक डेढ़ दो महीने या एक साल ही टिकते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं और अभी अगर प्राइम एग्जाम्पल तो हेलो इतनी अच्छी सीरीज थी थ्री फोर थ्री इंडस्ट्री ने उस गेम की मार ली बोला कि हेलो इन्फीनाइट आ गया है अब ये लास्ट इन्फीनाइट हेलो है अब ये तो हम ई स्पोर्ट करवाएंगे इसका बी पी वी पी उसमें डाल दिया बेडल पास डाल दिया और एकदम ही गेम की ऐसी तैसी हर्डी मेरे को इतना बढ़िया लगता था गेम बट उन्होंने गेम की मार ली ऐसे ही ओवर वॉच है ओवर वॉच पता नहीं जबरदस्ती ई स्पोर्ट में घुसने का ट्राई कर रहा है मतलब लगता भी नहीं वो गेम बना भी है ई स्पोर्ट के लिए ऐसे बहुत से गेम है जो डे वन से ही ईस्पोर्ट में घुसने का ट्राई करते हैं और वो कभी भी एक अच्छा गेम बन ही नहीं पाते और वो चल ही नहीं पाते ज्यादा तो यार यही था अब आप अपना ओपिनियन बताओ नीचे कमेंट में कि ईस्पोर्ट क्या है अच्छी चीज है या बुरी चीज है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक टिल लाइक like करो शेयर करो अपने दोस्त के साथ एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल पर अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी तो बाय बाय गाइस एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर